बढ़िया, क्या बात है। ये इधर कचौरी फ्राई हो रही है ना? हाँ फ्राई हो रही है। जैसे हमने सुना ये पंडित जी की जो कचौरी होती है इसमें दाल वगैरह मूट वगैरह डाली जाती है, तो ये कैसा बनाते हो आप? मसाला है, दाल है मूट। इसके अंदर क्या स्टफिंग करते हो आप? की दाल है, बेसन है और कई मसाला है इसमें, इसका स्टफिंग होता है। हाँ मस्त बढ़िया है, जब भी लोग तो मेरे देखिए फ्रेंड्स, ये कचौड़ी अब तलना स्टार्ट हो गई है। कितनी कचौरी है भाई जी? इसमें प्राइस 40-35 है, 40 एक है। कितना समय लगता है इसको बनने में? इसमें बनने में लग जाए 10-15 मिनट लगते हैं। 10-15 मिनट लग जाते हैं? हाँ लग जाते। काफ़ी आराम से सेकनी होती है ना? हाँ आराम से सेकना होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये भाई जी एक एक कचौरी को अपने हाथों से उल्टी पलटी कर रहे हैं ताकि कोई कचौरी कच्ची ना रह जाए, उसका अंदर वाला स्टफिंग भी अच्छे से फ्राई हो जाए। इसलिए ये पंडित जी की कचौरी जलेबी काफ़ी फेमस हो चुकी है यहाँ पे। एक एक कचौरी को आराम आराम से पलटा रहे तभी तो 10-15 मिनट लग ही जाते हैं, तो बढ़िया क्या बात है। और फ्रेंड देखिए ये कचौरी अब अपना ब्राउन कलर ले रही है। आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा कचौरी अपना कलर चेंज करे। तो देखिए ये कचौरी का पूरा कलर अच्छे से आ गया है, तो ये निकालना स्टार्ट हो गया है। ये रेडी हो चुका है ना? फिर उधर जाएगा। अच्छा बेचने के लिए उधर जाएगा। बढ़िया खड़े हैं। ये कितने का कचौड़ी होता है भाई जी? कचौड़ी 20 रुपए का होता है। 20 रुपए का। और इसके साथ क्या देते हो आप? दही डालेंगे, चटनी डालेंगे, बूंदी डालेंगे। हाँ हाँ ये रायता हो जाता है, रायता हो जाता है, लोगों को खाने में स्वाद आता है। अच्छा बढ़िया, यानी पूरा रायता बना के देते कचौड़ी के साथ। हाँ।